ग्रीन रीवा और पर्यावरण सुधारने के नाम पर जिले में लाखों वृक्ष लगाए गए, लेकिन उन वृक्षों की स्थिति क्या है और कहाँ है कहीं पता नहीं है। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण के नाम पर लाखों सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों को काटकर ठेकेदारों ने बेच लिया है, लेकिन इसकी आवाज भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंची है। ताजा मामला बैकुंठपुर नगर पंचायत क्षेत्र का है, जहां आधा दर्जन से अधिक आरा मशीनें संचालित हैं। बताया जाता है कि एक आरा मशीन में लकड़ी भंडारण की क्षमता निश्चित नहीं है, लेकिन एक आरा मशीन में सैकड़ों ट्रक विभिन्न इमारती लकड़ियों का भंडारण किया गया है, जिसकी जाँच करने ना तो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी पहुँचते हैं और ना ही कोई पुलिस विभाग कभी इस ओर ध्यान देता है। मिल रही शिकायतों का हमारी टीम बैकुंठपुर नगर पंचायत में संचालित आरा मशीनों का जायजा लेने पहुंची और जो दृश्य कैमरे में कैद हुए उसे आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह नगर पंचायत है या फॉरेस्ट विभाग का स्टोर रूम, जहां हजारों ट्रक लकड़ियों का अंबार लगा हुआ है। उक्त संग्रहित लकड़ियों के संबंध में जब विभाग के एसडीओ नरेंद्र त्रिपाठी के मोबाइल नंबर में बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं पूरे मामले को लेकर स्थानीय समाजसेवी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया, अधिकारियों के साठ गांठ से ही यह कारोबार फल फूल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं उक्त घोटाले की मौके से स्थिति और सुनाते हैं समाजसेवी चतुर गौतम को। भाई देव ने अति का करी नहीं आगे चल कहाँ से बात रह ले आगे रह ले हाँ ठीक। नाम से हजारों पेड़ लगाए गए थे, सड़कों का निर्माण हुआ, हजारों पेड़ काटे गए, लेकिन ना तो लगाने वाले पेड़ों का हिसाब किताब मिला और ना काटे जाने वाले पेड़ों का। उसके पीछे कारण यह था कि हिसाब मिले तो मिले कैसे, यह पेड़ काट कर टालों में रखे गए हैं, यानी कि वह जो पेड़ काटे गए थे वो फॉरेस्ट विभाग से साठ गांठ कर और सभी वो टालों में बेचे जा रहे हैं। ऐसा ही बैकुंठपुर में हाल ये देखने को मिला है, जहां पर तीन टाल होने चाहिए था, तीन फर्नीचर होने चाहिए था, लेकिन यहां आधे दर्जन चल रहे हैं। इनके पास कितनी क्षमता है, कितना रखना चाहिए और इसके पूरे मामले की लेकर जहाँ तक तहकीकात की गई है यहाँ के समाजसेवी चतुर गौतम जी ने की है। अब उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से पेड़ काट कर संग्रहित किए गए हैं और उनका विभाग का क्या क्या रोल है इसमें, किस तरह का है ये पूरा मामला। ये पूरे भारत में वृक्षारोपण का काम चल रहा है, वृक्षारोपण का काम पूरे पर्यावरण के लिए किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो ये फॉरेस्ट विभाग है, फॉरेस्ट विभाग जो आरा मशीन हुआ है होती हैं उनसे साठ गांठ करके पूरे क्षेत्र के जितने हरे पेड़ हैं उनको कटवा कटवा करके और उनका व्यापार किया जा रहा है। और ये बात फॉरेस्ट विभाग अच्छी तरीके से जानती है कि जो ये पेड़ हरे पेड़ हैं जिससे ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे जनता जी रहा है, जिनको सरकार प्रोत्साहन कर रही है, उनको अपनी निजी स्वार्थ और रिश्वत खोरी के चलते उनको कटवा कटवा करके पूरे संग्रहित किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक एक आरा मशीन में लगभग 100-100 ट्रक लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इनको कभी कभी फॉरेस्ट विभाग आता है और इनसे पैसे लेके चला जाता है, जबकि सबको पूरे देश को इस समय पर पर्यावरण के लिए विशेष काम किया जा रहा है, पर्यावरण के लिए नए नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ तो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों का जेब गर्म करने के लिए, पैसे लेने के लिए किसी की भी कुछ भी कर सकते हैं। बैकुंठपुर में लगभग कितनी आरा मशीनें होंगी, कितनी होनी चाहिए थी? एक नगर पंचायत में जो पहले का एक नियम था तीन होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ तो हमको ऐसा लगता है कि 6-7 हो चुकी हैं,
कटर मशीन लगभग 3-4 हैं, मैंने कुल मिलाकर के यहाँ 7 से ऊपर 10 के लगभग यहाँ कटर मशीन और आरा मशीन मिला के हैं। हमने अभी जो देखा तो लगभग एक आरा मशीन में सैकड़ों ट्रक लकड़ी पड़ी हुई है, विभिन्न प्रकार की लकड़ी पड़ी हुई है। हाँ, फॉरेस्ट विभाग कभी देखने नहीं आता या देख कर आँख बंद किया, देख करके अपना जेब गर्म करके चले जाते हैं। उनको मालूम है कि अवैध है, इनको सब कुछ सीज कर देना चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा करते नहीं है। आते तो 7 दिन में। राजनीतिक संरक्षण या पैसे का संरक्षण? पैसे का संरक्षण, राजनीतिक तो उसके बाद आता है, पहले पैसा इसके बाद राजनीतिक। राजनीति करने वाले भी को पैसा चाहिए। किस किस तरह की लकड़ियाँ खपाई जाती होंगी? शीशम हो गया, सगमन हो गया, आमा हो गया, जामुन हो गया, नीम हो गया, बमूल हो गया, शीशम हो गया, जितनी भी इमारत की लकड़ियाँ हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ फॉरेस्ट विभाग अपना जेब भर। बस बस उनको वो सिंगल पैसे चाहिए, सप्ताह में पैसे चाहिए, महीने में पैसे चाहिए, एसडीओ साहब को चाहिए, रेंजर साहब को चाहिए, वीर प्रभारी को चाहिए, सब कुछ चाहिए। कुल मिलाकर ग्रीन दीवा के नाम पर जितने पौधा रोपण किया गया था, सड़क से लेके पौधे काटे गए थे, वो सब आरा मशीनों में भरे जा रहे हैं और उसकी तिजोरी भर रहा है फॉरेस्ट विभाग और यहाँ के आरा मशीन संचालक। देखते हैं फॉरेस्ट विभाग इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। दीवा से विराट 24 के लिए रामानंद पांडे।